पिछले साल के मोटरोला के सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन का अपग्रेड आ गया है और पेश है आपके सामने मोटरोलाज एज 50 फ्यूजन। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो मोटरोला एज 50 फ्यूजन लॉन्च हो चुका है और ये वो सब चीजें ऑफर करता है जो आपको अपने अगले स्मार्टफोन के लिए चाहिए। लेकिन 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 आज हम जानेंगे कि एक आखिरकार आइडियल स्मार्टफोन कैसा होना चाहिए और इसी के लिए हम सीपी के गलियारों में आ गए हैं और यहाँ हम जानेंगे लोगों से कि उनके हिसाब से एक आइडियल स्मार्टफोन क्या होना चाहिए और तो और उनके रिएक्शंस देखेंगे जब हम उन्हें इस स्मार्टफोन मोटोरोला एज 50 फ्यूजन के बारे में भी बताएंगे। और तो और आपको एक और बात बता दूं कि ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा केवल 20,999 में। आपके फोन का प्राइस क्या है? 30,000 है, 35,000, 40,000, 30,000 है, 40,000 का है, 30,000, 25,000। तो भाई क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा स्मार्टफोन हो जिसमें सारे फीचर हो और आपके बजट में भी हो? अच्छे फीचर्स तो महंगे फोन में मिलते हैं भाई, आजकल बढ़िया फीचर वाले फोन महंगे ही आते हैं यार। आजकल जो अच्छे फीचर वाले फोन है वो सस्ते मिलते कहाँ है। स्मार्टफोन होते हैं जिसमें काफी सारे अच्छे फीचर्स होते हैं लेकिन वो मेरे बजट में नहीं होते। मेरे को मेरा फोन तो पसंद है, मेरा फोन है S30 मोटरोला का। जी जी, उससे पहले मैं G62 यूज करता था, वो भी मोटरोला का। जी तो भाई मेरे को एक और बात बताओ, क्या आपका फोन भी लो लाइट फोटोग्राफी करते हुए स्ट्रगल करता है? मेरे फोन में अभी तो अच्छी नहीं आती बट मैं सोच रही हूँ जो फोन लेने उसमें शायद अच्छी है। हाँ बिल्कुल, आजकल अच्छी लो लाइट फोटोग्राफी मिलती कहाँ है फोनों में। लो लाइट फोटोग्राफी आजकल कहाँ अच्छी आती है? ठीक ठाक है बट उतना अच्छा नहीं है। लो लाइट फोटोग्राफी करनी है बट फोन के साथ पॉसिबल नहीं इसके साथ। तो भाई आप इस मोटरोला एज 50 फ्यूजन को देखिए और बताइए आपको कैसा लग रहा है। ये तो मुझे काफी स्टाइलिश लग रहा है और इसका वेट भी बहुत लाइट है यार। ये फोन तो बहुत बढ़िया लग रहा है यार, मुझे तो फोन बहुत बढ़िया लगा। डिजाइन तो अच्छा है, तो मुझे इसकी लेदर फिनिशिंग बहुत अच्छी लगी। ये डिजाइन तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो भाई अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो एज 50 फ्यूजन में 50 मेगापिक्सल का सोनी लिटिया 700C सेंसर है जो कि ऑसम लो लाइट पिक्चर्स क्लिक करता है। इस फोन को IP68 रेटिंग भी मिली हुई है, तो अगर आप गलती से फोन पे पानी भी गिरा दो तो इसे कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, कड़कती धूप में भी आप इस फोन को यूज कर सकते हो क्योंकि इसके डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स है। भाई आपके ये बजट में भी आ जाएगा। चलो आप मेरे लिए इसका प्राइस गेस करो। 30,000 या 35,000 का लग रहा है। 35 अराउंड 50 के 35-40,000 35-40 30,000 का आसपास लगता है। नहीं, ये फोन सिर्फ और सिर्फ 20,999 में आपको मिल जाएगा। 20,999? बस मजाक कर रहे हो? रियली? यस। तो भाई इस बात में कोई दोराय नहीं है कि ये मोटरोला का एज 50 फ्यूजन सबसे बेस्ट है और आप इसे खरीद सकते हो बढ़िया लॉन्च ऑफर्स के साथ फ्लिपकार्ट पे 22 मई को 12 बजे से। तो आप अभी जाइए और लीजिए मोटोरोला एज 50 फ्यूजन और एंजॉय कीजिए एक ग्रेट स्मार्टफोन एक्सपीरियंस।